तो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी रेन एंड मैन। रेन एंड मैन के अंदर कुछ केसेस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस है कि अगर मान लो कोई बंदा कहीं पर भी खड़ा है, एक मैन खड़ा है यहाँ पर बस स्टॉप पे, और बारिश गिर रही है। बारिश कैसे गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो बारिश नीचे गिरती है, तो आप नॉर्थ एंड साउथ नीचे नहीं लेंगे, आप कैसे लेंगे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे इस प्लेन में लेंगे। तो रेन एंड मैन के क्वेश्चन में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे लिया जाता है, और रेन कैसे गिर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर ये बंदा खड़ा है, हवा चल पड़ी, विंड चल पड़ी, विंड चल रही है ईस्ट से वेस्ट। मान लो क्वेश्चन में गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड आपको गिवन है कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर। तो बारिश गिर रही है, हवा चल रही है, तो ये जो बंदा खड़ा है इसको बारिश नीचे आती हुई नहीं लगेगी। कैसी लगेगी? टेढ़ी आती हुई लगेगी, क्योंकि हवा भी चल रही है और नीचे पानी भी गिर रहा है, तो टेढ़ा। तो क्वेश्चन है अम्ब्रेला कैसे पकड़े वो? तो सबसे पहले उसके ऊपर जो बारिश गिरेगी उसको लगेगा कि ऐसे गिर रही है, वो खुद तो चल नहीं रहा। तो रेन और वाटर या विंड, रेन और विंड सॉरी, का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये 5 है। तो उसके ऊपर जो रेन गिरेगी वो 5 किलोमीटर पर आवर से गिरेगी। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो कैसे गिरेगी? इस डायरेक्शन में गिरेगी। तो अम्ब्रेला कैसे पकड़ा जाएगा? एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। ठीक है, तो वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला थीटा एंगल पे है, तो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो ये थीटा कैसे निकलेगा? इस राइट एंगल ट्राइंगल में टैन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। ये 4 है तो ये 4 है, 4 बाय 3, तो थीटा इज टैन इनवर्स 4 बाय 3 विद द वर्टिकल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो केस नंबर वन, क्या केस नंबर वन? कि अगर मैन खड़ा है, चल नहीं रहा, बारिश गिर रही है और हवा चल रही है, तो रिजल्टेंट लेके अम्ब्रेला एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट। तो पहला केस क्लियर है सबको? ठीक है यहां तक। केस नंबर टू, केस नंबर टू में मैन चल रहा है, केस नंबर टू में मैन चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब मैन चल रहा है, स्कूटर पे चल रहा है या पैदल चल रहा है या बाइक पे चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, और रेन वर्टिकली नीचे गिर रही है। तो रेन कहां गिर रही है? नीचे 4 किलोमीटर पर आवर। पर अगर आप चलते हुए व्हीकल पे, बारिश सीधी गिर रही है, मूव करें, आपको लगेगा कि बारिश टेढ़ी गिर रही है ना, मुंह पे छींटे टेढ़े पड़ते हैं। तो ऐसे केस में क्यों? क्योंकि वो मैन क्या कर रहा है? वो मैन रेन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नहीं, ग्राउंड का मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? मैन भी चल रहा है, रेन भी चल रही है, तो यहां पर क्या कैलकुलेट हो रही है? रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चलता हुआ मैन। तो क्या लिखेंगे? VRM। VRM का मतलब क्या होता है? रेन की वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू क्या? मैन। और मैन पीछे होने का मतलब ये अज्यूम करना कि मैन अपने आप को किस पे समझ रहा है? एट रेस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इस केस में आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे रेन की वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन तो है 4। देखो ये वेलोसिटी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर हमें कैलकुलेट करना है रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है? दोनों में फर्क है, या ऐसा बोल सकते हैं एक्चुअल वेलोसिटी है रेन की, एब्सोल्यूट वेलोसिटी है रेन की, और हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। अब वी आर एम का मतलब क्या होता है? वी आर एम वेक्टर फॉर्म में इसका मतलब है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, या वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, यही है वी आर एम वेक्टर। अब मेरे को इस प्रॉब्लम में वी एम वेक्टर गिवन है, और यहां करेक्शन है प्लीज, नॉर्थ साउथ यहां पर लिखा हुआ है, गलत है ये, आपने नॉर्थ साउथ यहां नहीं लेना, करेक्शन कर लेना प्लीज असाइनमेंट में। मैंने बोला था कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इसमें, ठीक, गलती से बन गया। तो इसमें ये वी एम है, और मुझे क्या चाहिए? वी आर एम वेक्टर, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, या फिर वी आर एम वेक्टर, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। प्रॉब्लम यह है कि मेरे को गिवन है वी एम वेक्टर, मुझे चाहिए माइनस वी एम वेक्टर। माइनस वी एम वेक्टर का मतलब इसका उल्टा ले लो, ये क्या बन गया? माइनस वी एम वेक्टर। तो
तो एक वेक्टर क्या हो गया माइनस वी एम वैक्टर, एक क्या हो गया क्या हो गया वी आर वैक्टर, और अगर मुझे एडिशन लेना है इन दोनों का ऐसे तो रिजल्टेंट क्या बनेगा ये बनेगा, तो ये क्या बनेगा वी आर वैक्टर प्लस माइनस वी एम वैक्टर यानी कि वी ऑफ आर एम वैक्टर। क्या इस स्टेप समझ में आ रहा है? तो ये देखो, तो ये रहा आपके पास, ये नॉर्थ साउथ काट लेना प्लीज, ये रहा आपके पास 3 किलोमीटर पर आवर मैन रेन, आपको वी आर एम निकालना है, वी एम गिवन है तो उल्टा करेंगे माइनस वी एम है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 3 है ये 4 है, उस मैन को रेन कैसे दिख रही है, ऐसी दिख रही है रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसको ऐसे भी बोला जाता है कि उस मैन को रेन अपियर हो रही है, देखो रेन गिर नहीं रही, मैंने कहा रेन अपियर हो रही है, उसको लग रहा है कि रेन टेढ़ी गिर रही है, इसको बोलते हैं वी आर एम कैलकुलेट करना। तो जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक मैन को रेन अपियर हो रही है तो वो कभी भी वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं होगी, वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी मैन होगी। क्लियर है यहां तक? तो वी आर एम क्या का मतलब क्या हुआ, वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, तो उसको रेन ऐसी अपियर होगी कि वो कहेगा चलते हुए कि भाई रेन तो ऐसी गिर रही है लेकिन एक्चुअल में रेन नीचे गिर रही है, तो अम्ब्रेला इसके ऑपोजिट पकड़ लेगा, तो ये थीटा निकालना है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है तो ये क्या है 5 है, तो ये tan थीटा, ये थीटा तो वर्टिकल ऑपोजिट से थीटा है, tan थीटा क्या होगा 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी थीटा सेम होगा, तो आंसर लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 विद वर्टिकल। पॉइंट समझ में आया? केस नंबर 2, तो पहला केस था मैन खड़ा है, विंड चल रही है और रेन गिर रही है, उसमें रिजल्टेंट निकाल देना बातें खत्म। दूसरा केस है मैन चल रहा है रेन गिर रही है हवा नहीं चल रही, दूसरा केस है। तीसरा केस है, जैसे ये केस है कि मान लो फाइंड डायरेक्शन ऑफ रेन वी आर वेक्टर, क्वेश्चन है मैन चल रहा है, मैन चल रहा है और वी एम वेक्टर गिवन है, और रेन एक्चुअल में कहां गिर रही है पता नहीं लेकिन क्वेश्चन में गिवन है वी आर एम वेक्टर, यानी कि मैन को अपियर हो रहा है कि रेन कैसे गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, अब मैन खुद चल रहा है और उसको लग रहा है कि रेन सीधी गिर रही है, जो लगता है ना अपियर होता है वो कभी भी सही नहीं होता, अपियर हमेशा गलत होता है, हमेशा रिलेटिव होती है, तो जो अपियर हो रहा है यानी कि एक्चुअल में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिर रही। ये रूल समझ में आ रहा है? तो आपको दो वेक्टर गिवन है, पहला वी एम और दूसरा वी आर एम, वी आर एम का मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन जो अपियर हो रही है किसे मैन को। क्या स्टेप क्लियर है? तो आपको क्या वेक्टर निकालना है, वी आर वेक्टर, वी आर वेक्टर का मतलब एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर किसका निकालना है, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। क्लियर है यहां तक? राइट। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर वी आर एम वेक्टर गिवन है तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, वी आर एम वेक्टर का मतलब है वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर, तो वी आर एम वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो ये रहा आपके पास वी एम वेक्टर, ये रहा आपके पास माइनस वी एम वेक्टर, ये लो वी एम वेक्टर। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? क्योंकि मेरे को ये चाहिए था। अब मुझे पता है कि वी आर एम वेक्टर का मतलब क्या है, वी आर एम वेक्टर का मतलब होता है वी आर वेक्टर प्लस माइनस वी एम वेक्टर, ऐसे होता है। तो इसका मतलब क्या समझें, इसका मतलब ये हुआ कि ये वी आर एम वेक्टर रिजल्टेंट है, ये वी आर एम वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, वी आर वेक्टर का और माइनस वी एम वेक्टर का, और रिजल्टेंट हमेशा दो एक्चुअल वेक्टर के बीच में होता है, बात तो होता नहीं। तो इसका मतलब अगर ये माइनस वी एम है तो वी आर वेक्टर को कहीं यहां कहीं होना पड़ेगा ताकि इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पे आ जाए, तभी बात बनेगी क्योंकि एक वेक्टर माइनस वी एम तो पता ही है यहां पे है और रिजल्टेंट पता है यहां पर है, तो वी आर को तो यहां होना पड़ेगा ताकि इनका रिजल्टेंट बीच में आ जाए। तो स्टेप समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा ऐसा बनेगा, वी एम माइनस वी एम, ये क्या है वी आर एम है, तो ये क्या है वी आर लिया मैंने, ताकि ये वी आर है ये माइनस वी एम है ये वी आर एम है, तो इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल ये, क्लियर है? तो ये वी आर वेक्टर है, यानी कि जो एक्चुअल में रेन गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं गिर रही, थीटा एंगल पे गिर रही है।
क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? जैसे क्वेश्चन आएगा कि सपोज मैन ट्रेवल कर रहा है ईस्ट की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, और उस मैन को रेन अपीयर हो रही है, उसको लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, अपीयर हो रहा है। अपीयर होने का मतलब क्या गिवन है? वी आर एम। तो क्वेश्चन है एक्चुअल वेलोसिटी रेन की क्या है ये बताओ। अब एक्चुअल वेलोसिटी रेन की अगर कैलकुलेट कर रहे हैं वी आर, तो मुझे पता है अगर ये वी एम है तो ये माइनस वी एम है, ये माइनस वी एम है, ऑब्वियसली ये वी आर होगा, ताकि इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। तो अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ऑब्वियसली ये 10 है। तो एक्चुअल वेलोसिटी रेन की क्या होगी? 10 लगेगी पाइथागोरस में। पॉइंट समझ में आ रहा है? और इस क्वेश्चन में अगर एंगल निकालना है कि एंगल क्या होगा इसमें इस रेन का, तो थीटा एंगल होगा, तो टेन थीटा क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाय 8, तो टेन इनवर्स 6 बाय 8 का 3 बाय 4 विद द